एवरीवन, आज हम बात करते हैं नेत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव नेत्र की बात करेंगे। उसके लिए तुम एक बार देख लो, ये इसके लिए क्या है अपने पास में, डायग्राम है मानव नेत्र का, ठीक है ना। ये इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ये वाला जो बाहर वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ये तुम्हारा क्या है, लेंस है, जो कैसा है, उभयोत्तल है, दोनों साइड से ये उत्तल लेंस है, ठीक है ना। और ये किससे बंधा हुआ है, पक्ष्माभि पेशियों के द्वारा लटका हुआ है। ये दोनों पक्ष, दोनों साइड में क्या है, पक्ष्माभि पेशियां, उनके बीच में ये क्या है, लटका हुआ है, ठीक है। यहां पर जो एक जल भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, तेजोजल बोलते हैं या नेत्रोद बोलते हैं, ठीक है। यहां जो बीच में है इसको पुतली बोलते हैं, और यहां पर अपने पास में ये जो थोड़ी सी आगे आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। इसके बाद में ये क्या हो जाएंगी अपने पास में, आंख की पेशी हो जाएंगी। ये अपने पास में, ये जो अपने पास में ये वाला है, ये वाला जो रेड लाइन दिख रही है और ब्लू लाइन के बीच में, तुम चाहो तो इसको लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेटिना, या इस रेड कलर की लाइन को भी। यहां पर मैंने जैसे चार लाइन खींचे हैं तो इनके बीच के अंदर जो गैप है वो एक दो तीन गैप हो गए। या तो तुम इसको गैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो या लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने गैप से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो पहले वाला गैप है, जो फर्स्ट वाला ये जो होता है, इसके जो बीच में होता है इसको बोलते हैं काचाब द्रव। इसके अंदर जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव भरा होता है उसको काचाब द्रव बोलते हैं। और ये जो काचाब द्रव के पास वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। जो सेकंड वाला जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रक्त पटल, और जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं हम श्वेत पटल, ठीक है। यहां पर ये रेटिना का ये एक पार्ट है जिसको पित्त बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या बनता है अपने पास में, जो भी अपने पास में वस्तु है उसका प्रतिबिंब, लेंस से आकर लेंस इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। लेकिन रेटिना में सबसे स्पष्ट जो दिखाई देता है वो पीत बिंदु पर यदि प्रतिबिंब बनता है तो वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। और ये क्या होता है अपने पास में, अंध बिंदु पर कभी भी वो नहीं बनता, प्रतिबिंब नहीं बनता। और यहां से क्या, द्रक तंत्रिकाएं जाती हैं, ठीक है ना। और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, मानव नेत्र हो जाएगा। इसको एक बार देख लेना, इसके बाद में हम सभी के बारे में डिटेल से थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। अब देखो, इसमें यदि हम बात करें सबसे पहले लेंस की, नेत्र लेंस की, तो ये अपने पास में क्या होता है, एक उभयोत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, मतलब दोनों साइड से ही, जिसको हम तुम क्या बोल सकते हो, उभयोत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। इसका जो अपवर्तनांक है, म्यू की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होती है वो म्यू की वैल्यू लगभग बराबर होती है 1.437, इसके आसपास इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, रेटिना की, यहां से क्या आएंगे अपने पास में, कोई भी बिंब है, कोई भी बिंब है या वस्तु है, उससे प्रकाश किरणें आएंगी और उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा। लेकिन अपना जो मस्तिष्क है वो उसका क्या कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें किसकी, पीत बिंदु की। किसकी बात करें, पीत बिंदु की। ये वैसे तुम्हारे को बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। पीत बिंदु की यदि हम बात करें तो इसमें क्या, यह जो रेटिना क्या होता है, सबसे सुग्राही भाग होता है। यह रेटिना का क्या होता है, सबसे सुग्राही भाग होता है, ठीक है ना, जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, या इसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत स्पष्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, अंध बिंदु की। किसकी बात करते हो, अंध बिंदु की यदि तुम बात करते हो, तो इस बिंदु से जो दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं, इस बिंदु से जो ये द्रक तंत्रिकाएं जा रही हैं, ये कहां तक जाती हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं। लेकिन यहां पर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, पक्ष्माभि पेशियों की। किसकी बात करें, पक्ष्माभि पेशियों की यदि तुम बात करते हो, तो पक्ष्माभि पेशियां क्या होती हैं, इनके बीच के अंदर क्या होता है, ये लेंस लटका रहता है, ठीक है ना। और इनकी ये, इनके बीच में लेंस लटका रहता है, तो इनकी वजह से या इनकी सहायता से जो लेंस की वक्रता त्रिज्या उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार अपने को जैसे धूप में देखना है और कई भी छाया में देखना है, तो उसकी वजह से इसको, इसकी वजह से इसकी क्या करते हैं, त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को, या कम दूरी पर देखना है, ज्यादा दूरी पर देखना है, तो इसकी वजह से इसकी जो वक्रता त्रिज्या उसको हम पक्ष्माभि पेशियों की सहायता से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, समंजन क्षमता की, ठीक है ना। किसकी बात करें, समंजन क्षमता की, तो समंजन क्षमता क्या होती है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित कर दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है,
अपने पास में, कि मतलब जो अपने पास में मानव नेत्र होता है उसकी वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित कर दूर और नजदीकी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेत्र की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता, ठीक है ना। नेत्र की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, किसकी बात करोगे, और बात कर लेते हैं, जैसे हम दृष्टि प्रास की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, दृष्टि प्रास की बात कर लेते हैं। दृष्टि प्रास के अंदर यदि हम सबसे पहले बात करें तो दो बिंदुओं की बात करेंगे, एक तो निकट बिंदु होगा और एक दूर बिंदु। निकट बिंदु तो क्या होता है कि जैसे आपने मानव नेत्र के पास में जो सबसे कम दूरी पर वस्तु दिखाई रखी है और उसको मानव नेत्र आसानी से आराम से स्पष्ट देख रहा है, ठीक है ना। तो वो जिस दूरी पर, कम से कम जितनी दूरी पर वो वस्तु रखी है और वहां पर अपना जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना, क्या बन रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की दूरी, ठीक है ना। उस दूरी को निकटतम जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, निकटतम दर्शन की दूरी बोल देंगे उसको, ठीक है ना। तो उसको तो हम बोलते हैं, और जिस बिंदु पर वो रखा है उसको हम बोलते हैं निकट बिंदु, उसको हम क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। एक होता है अपने पास में क्या, दूर बिंदु। एक क्या होता है अपने पास में, दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु। तो दूर बिंदु में क्या होता है कि मानव नेत्र से मतलब वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु मानव नेत्र को पर जो बना प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं वो, और वो दूरी अपने पास में। यदि मैं निकटतम दूरी की बात करूं, निकटतम दूरी की बात करूं तो उसकी जो दूरी होती है वो है 25 सेंटीमीटर। वो दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर के बिंदु की बात करूं तो वो होती है इनफाइनाइट। वो दूरी कितनी होती है अपने पास में, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, हम बात कर रहे थे किसकी, दृष्टि प्रास की। किसकी बात कर रहे थे, दृष्टि प्रास की। तो अपने पास में एक तो निकट बिंदु हो गया और एक दूर बिंदु, दोनों के बीच की जो दूरी हो गई उसको हम बोलते हैं दृष्टि प्रास। उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि प्रास भी बोलते हैं या दृष्टि विस्तार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें दृष्टि निर्बंध की, किसकी बात करें, दृष्टि निर्बंध की। तो जो दृष्टि निर्बंध है उसका मान होता है अपने पास में ये टाइम होता है, ठीक है ना, कि अपने को किसी भी वस्तु को देखने में लगा टाइम वो होता है मतलब एक सेकंड का दसवां हिस्सा, एक बटा दस सेकंड या 0.1 सेकंड, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना, जिसको तुम क्या बोलते हो, दृष्टि निर्बंध बोलते हो। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, द्विनेत्र दृष्टि की। किसकी बात करें, द्विनेत्र दृष्टि। द्विनेत्र दृष्टि का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, कि अपने पास में दोनों आंखें हैं उनमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान प्रतिबिंब बनता है, जिसको तुम क्या बोलते हो, द्विनेत्र दृष्टि बोलते हो, ठीक है ना। दोनों नेत्रों की जो दृष्टि होती है वो सेम होती है, मतलब दोनों के ऊपर जो बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समान होता है, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, विभेदन क्षमता की या विभेदन सीमा की बात करें। विभेदन सीमा की मतलब ऐसे कहना चाह रहा हूं कि अपने पास में जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ये तुम्हारे को दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे दूसरी बात ये कि ये और एक ये बिंदु, ये दोनों बिंदु तुम्हारे को एक ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं ऐसे मान लो कि यहां पर लेता हूं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तुम्हारे को दोनों बिंदु अलग अलग दिख रहे हैं। अब यदि मैं बात करूं कि एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, अब ये दोनों बिंदु तुम्हारे को क्या दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं। तो मतलब ये जो वस्तु है अपनी आंख पर जितना एंगल बनाती है, न्यूनतम जितना एंगल बनाती है, उसके बाद में ये अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। तो वो जो कम से कम एंगल है, यदि कोई भी वस्तु अपनी आंख के ऊपर एक मिनट से कम का एंगल बनाती है, एक आर्क मिनट से कम का एंगल बनाती है, तो वो वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और यदि उससे ज्यादा का एंगल बनाती है तो वो अपने को क्या दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसके लिए यदि तुम बात करते हो विभेदन सीमा की, तो दो वस्तुएं नेत्र को दूर नहीं दिखाई देती, दूर नहीं दिखाई देंगी। क्यों दिखाई नहीं देंगी, यदि नेत्र पर इनके द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, एक मिनट से कम होगा तो, ठीक है ना, एक मिनट से कम होता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। मतलब अपने आंख की जो विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता की मैं बात करूं तो वो कितना होता है, एक आर्क मिनट, या हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक आर्क मिनट, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, तुम्हारा मानव नेत्र हो जाएगा, खैर इसके बारे में बातें हो जाएंगी। इसके बाद में हम बात कर लेंगे किसकी, जो इससे मतलब
क्या रोग होते हैं नेत्र से संबंधित, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आते हैं दृष्टि दोषों की, किसकी बात करेंगे, दृष्टि दोषों की बात करेंगे। सबसे पहले एक नंबर पे हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, किसकी बात करें, निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष में जैसे तुम्हारे को इसके नाम से मालूम चल रहा है कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, निकट की कोई वस्तु होगा उसको देखने में दोष होगा या स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह उल्टा कहना चाहता है, क्या उल्टा कहना चाहता है कि निकट की वस्तु इसको स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है कि जो निकट की जो वस्तु है वो तो क्या है, स्पष्ट दिखाई देता है, निकट तो क्या है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। और यदि दूर की बात करूं तो अस्पष्ट दिखाई देगा, अस्पष्ट दिखाई देगा या स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, अस्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। अस्पष्ट दिखाई क्यों देगा, इसके यदि हम कारण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई दूर की वस्तु है और तुम्हारे जैसे मैं इसकी नॉर्मल सी आंख की यदि मैं बात करूं, यहां पर क्या होगा तुम्हारे पास में, ये लेंस होगा, ठीक है ना। ये बाकी फिर और बातें होंगी, उनके बारे में अपन इतनी बात नहीं करेंगे। ये अपने पास में क्या होगा, रेटिना होगा। इसका प्रतिबिंब जैसे बाहर कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब अपनी आंख में कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दूर की वस्तु है उससे प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी और वो यहां से इस लेंस से अपवर्तित होकर यदि रेटिना पर मिले, कहां पर मिले, रेटिना पर, तो अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन ये रेटिना पर ना मिलके रेटिना से पहले ही मिल जाती है, मतलब इनका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण ये अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, या धुंधली दिखाई देती है। तो फिर इसका कारण क्या हो, मतलब उपाय क्या हो रहा है इसका, भाई कारण तो ये हो गया है, भाई क्यों हो रहा है ये। उपाय के लिए यदि अपन बात करें कि यहां से जो अपने पास में प्रकाश किरणें क्या हो रही है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, फैल जाए, थोड़ी सी यहां से फैल जाए, तो ये आगे जाके काटे थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इसके उपाय के लिए यदि हम बात करें तो उपाय के लिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर एक अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस। तो यहां से प्रकाश किरणें आएंगी ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, जैसे थोड़ा छोटा ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं, और ये ऐसे चली जाएंगी, और ये यहां से थोड़ा ऐसे चली जाएगी। अब ये जो प्रकाश किरणें हैं ये तुम्हारी पहले तो यहीं पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब वाली यहां पर मिल जाएंगी, जबकि ये पहले जो प्रकाश किरणें ऐसे आ रही थी, ऐसे ये सीधी आ रही थी, ये यहां पर मिलनी चाहिए थी, यहां पर मिल रही थी, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी में यदि यहां पर बनता प्रतिबिंब तो अपने को स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन ये रेटिना से जस्ट पहले मिल जाती हैं दोनों क्या मिल जाती हैं, रेटिना से पहले, इसलिए अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये क्या हो जाएगा इसका उपाय, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस काम में लेते हैं। क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस काम में लेते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंख का लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंख का लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक बार तुम देख लेना आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे, दूर दृष्टि दोष, दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें दूर दृष्टि दोष, बात समझ में आ गई होगी। कहना तो ये क्या चाहता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है इसमें, लेकिन वैसे नाम से ऐसे लग रहा होगा कि दूर दृष्टि दोष की दूर की वस्तु साथ दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट की तो इसमें मैं लिख देता हूं दूर, दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, और निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती या अस्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में तो इसका क्या था बोलो, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इससे थोड़ा क्या बनता है बोलो, रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कारण मालूम समझ में आ गया होगा कि अपने पास में जैसे वही तुम्हारे लिए मैं ये आंख बना देता हूं, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये आंख का लेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई दूर की वस्तु है उसके लिए यदि मैं बात करूं तो उसका तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, सीधा इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, इसलिए दूर की वस्तु तो अपने को स्पष्ट दिखाई दे देती है। लेकिन यदि निकट की वस्तु के लिए यदि मैं बात करूं, निकट की वस्तु के लिए यदि मैं बात करूं, जैसे यहां पर कोई निकट है वस्तु और यहां से ऐसे आई और ऐसे आई, ठीक है ना, लेकिन यहां से ऐसे और यहां से ऐसे,
ये रेटिना से कहां बनता है, ये दोनों कहां मिलती हैं, पीछे। तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, पीछे। तो मतलब यहां से बात समझ में आ गई होगी कि जो दूरदृष्टि दोष है इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना। इसके लिए यदि तुम बात करना चाहो, क्या बात करना चाहो कि इसके उपाय की, कि इसके अंदर उपाय क्या किया जाए, उपाय करने के लिए क्या कर दोगे तुम, इसमें उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल लेंस। देखो इससे जस्ट पहले भी यदि मैं क्या कर दूं, आंख से जस्ट पहले हम उत्तल लेंस काम में ले लें, तो ये प्रकाश किरणें ऐसे रियलिटी में पहले ऐसे जा रही थी, अब यहां से ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी, यहां से ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी। मैं इनको तो सही कर देता हूं लेंस लगाने के बाद में, और इनको मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि बनना कहां चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये अपवर्तित होकर ऐसे जाएगी, ये अपवर्तित होकर ऐसे, और इसके बाद में ये दोनों यहां पर मिल जाएंगी, कहां पर, रेटिना पर। और अब अपने को प्रतिबिंब जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा, अपने को स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या था कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। इसका उपाय की यदि निराकरण या उपाय की बात करें तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस काम में लेते हैं। क्या करते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। इसके बाद में यदि कोई आपको बोले कि जैसे कितनी फोकस दूरी का काम में आएगा या कैसे आएगा, ये जो दुकान वाले तुम्हारे को बना के देते हैं उस आधार पर यदि हम बात करें, तो उसके लिए यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो कि तुम्हारे को, जैसे तुम देख रहे हो, ठीक है ना, और इसके लिए जैसे तुमने देखा भी होगा कई बुजुर्ग लोग होते हैं वो तुम्हारे को, जैसे तुम उनके क्या आते हो पास आते हो तो चश्मा उतार के थोड़ा सा फिर देखते हैं, या चश्मे के ऊपर से देखते हैं, ठीक है ना। वो चश्मे से ऊपर से कौन सा देखते हैं, जिनके दूरदृष्टि दोष होता है, क्योंकि उनको दूर की वस्तु तो क्या होती है, साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। या फिर कुछ टीचर्स भी होते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं तो चश्मे के अंदर से, और तुम्हारे को देखते हैं तो चश्मे के ऊपर से, ठीक है ना। ऐसा तुमने बहुत देखा होगा, जैसे हमारे भी थे एक टीचर्स, विष्णु जी सर मैथ वाले, ठीक है, और भी बहुत हैं, जैसे यहाँ जो साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं 10th तक, कैलाश जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कभी पढ़ के देखना बहुत मजा आएगा उनसे। वो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, चश्मे को, बच्चों को चश्मे के ऊपर से देखते हैं और किताब को चश्मे के अंदर से देखते हैं, ठीक है। आगे चले इसके बारे में, हाँ इसके बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं। बातें क्या करोगे बोलो, इसमें देखो भाई, अब यदि मान लो कि तुम्हारे को स्मॉल डी दूरी तक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद में यदि तुम पास में आओगे, कोई वस्तु को पास लेके आ गए तो तुम्हारे को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। कहां तक दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, स्मॉल डी दूरी तक। कहां तक दिखाई दे रहा है, स्मॉल डी दूरी तक तुम्हारे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उससे यदि कम दूरी पर कोई वस्तु को लेके आ गए तो वो फिर तुम्हारे को धुंधली दिखाई देने लग जाती है, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। तो फिर तुम्हारे को जो लेंस होगा, मान लिया हमने, अपने को मालूम तो है कि उत्तल लेंस लगाओगे, लेकिन उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यदि तुम उससे डी दूरी से कम दूरी पर तुम वस्तु को लेके आ गए तो उसको स्पष्ट देखने के लिए कितनी फोकस दूरी का क्या होना चाहिए, लेंस होना चाहिए। तो उसके लिए मैं तुम्हारे को मैं बता देता हूं कि जो फोकस दूरी की जो वैल्यू होगी वो एफ इज इक्वल टू डी इंटू कैपिटल डी अपॉन डी माइनस कैपिटल डी। यहां पर जो डी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी किसे, कैपिटल डी से। यहां जो कैपिटल डी है वो क्या है बोलो, निकटतम बिंदु की दूरी, या निकट दूरी बोला था, समझाया था मैंने तुम्हारे को, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ये काम में आएगा, और यहां से मालूम चल जाएगा कि कितनी फोकस दूरी का तुम्हारे लेंस काम में आएगा आज के लिए, ठीक है ना। वो वहां से तुम जैसे लेंस वाले से बनवाने जाओगे तो वो बैठाएगा तुम्हारे को, और वहां से वो उसको पता लगा लेगा कि तुम्हारे को कितनी दूरी से कम फिर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेते हैं, फोकस दूरी भी। वैसे ये अपना इतना सिलेबस में, राजस्थान बोर्ड में नहीं है, कुछ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, स्कूलों में भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी तुम याद रख लेना, बाद के भी काम आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जरा, किसकी, जरा दृष्टि दोष। जरा क्या होता है,
है, पर्यायवाची शब्द होगा ये हिंदी में बुढ़ापे का, जरा यानी बुढ़ापा, ठीक है ना। तो जरा दृष्टि दोष, थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता रहे है, इसमें व्यक्ति को ना तो पास की ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती और ना ही दूर की स्पष्ट दिखाई देती। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, और ये बुढ़ापे में कई लोगों के हो जाता है, कई लोगों की आंखें सही होती हैं, क्यों सही होती हैं, ये तो उनसे ही पूछना, ठीक है ना। यदि यहां से मैं बात करूं जरा दृष्टि दोष की, तो इनको न तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है ना। तो फिर इनके लिए क्या करोगे रे, इनके लिए क्या करोगे भाई, ना तो तुम इसके लिए उत्तर लगा सकते हो और ना ही अवतल लगा सकते, या लगाओगे तो दोनों ही लगाने पड़ेंगे, तो दोनों लगा देते हैं, लगा दे, लगा दो फिर। तो इसमें मैं बता देता हूं क्या करते हैं और क्या होता है, कई इसमें द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं, इसके उपाय के लिए हम क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। द्विफोक्सी में क्या होता है कि जो मोटा लेंस होता है वो तो चश्मे के अंदर नीचे वाले पार्ट में रखा जाता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस, और ऊपर वाला कैसा होता है, अवतल लेंस। तो वो जैसे बात करें कि जैसे वो पास में देखेगा तो आंखों को क्या करेगा, वो नीचा करेगा, और यदि दूर देखेगा तो वो सामने देखेगा, तो लेंस के दो पार्ट हो गए, इस एक लेयर हो जाएगी, यदि वो नीचे देखेगा तो नीचे के लिए उसको पास में देखने के लिए कौन सा काम आ जाएगा, उत्तल लेंस नीचे वाला, और यहां से ऊपर की मैं बात करूं वो सामने देखेगा दूर देखेगा तो अवतल लेंस काम में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, न तो इस वस्तु पास की निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। और यदि इसके तुम कारण की यदि तुम बात करते हो भाई ये क्यों होता है, तो इसमें क्या होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ में आंख की जो समंजन क्षमता है वो क्या होती जाती है, कम हो जाती है, समंजन क्षमता कम होने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। और इसका उपाय की यदि हम बात करें तो द्विफोक्सी लेंस कहां मिलेंगे, तो जो चश्मा होगा चश्मे में ऊपर वाला जो पार्ट होगा अवतल लेंस का होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है ना। और ऐसा चश्मा तुमने कई लोगों को देखा भी होगा, और वो क्या करते हैं उस चश्मे को हमेशा यहां आंखों के पास नहीं थोड़ा नीचे लगा के रखते हैं, ठीक है, देखा होगा कई लोगों को, नहीं देखा तो देख लेना भाई, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष की, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, चौथा ऐसा ही, तीन पढ़ चुके हम, निकट दूर और जरा। अब हम बात करते हैं दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता की। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आदमी है, मनुष्य है, मानव है, ठीक है ना, यदि हम बात करें मानव की तो क्या होता है मानव जाति में, इसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं मतलब लाइनें होती है ना ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, और क्षैतिज लाइनें होती हैं, ये व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देती, एक साथ दोनों उसको क्या दिखाई देंगी, थोड़ी सी ऐसे दिखाई देंगी उसको, ऐसे स्पष्ट दिखाई, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें वो बिल्कुल उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो कारण है वो क्यों होता है, जो कोर्निया होता है आंख का वो कंप्लीट पूर्णतः गोल ना होने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। ये क्या होता है रे, कोर्निया जो है उसका जो पूर्णतः गोल नहीं होता कोर्निया, तो जिसके कारण ये क्या होता है बोलो, कोर्निया पूर्णतः गोल नहीं होता जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसका फिर कारण भी हो गया, तो फिर इसका उपाय भी करूं, उपाय या निराकरण। उपाय के लिए इसमें क्या होता है, बेलनाकार लेंस काम में लिया जाता है, क्या किया जाता है, बेलनाकार लेंस
काम में लिया जाता है। इसमें काम की बात मैं तुम्हारे को यह बता दूं कि यह जो दृष्टि वैषम्य दोष है यह निकट दृष्टि दोष के साथ में भी उत्पन्न हो सकता है और दूरदृष्टि दोष के साथ में भी उत्पन्न हो सकता है। और इसमें क्या कर देंगे बोलो, बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या और दिशा का उचित चयन करके इस दोष को संशोधित करते हैं, ठीक है ना। दिशा और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है उन दोनों का सही चयन करना पड़ता है। इसके बाद में यदि तुम और बात करते हो, किसकी बात करते हो, लास्ट वर्णांधता, किसकी बात करते हो, वर्णांधता, वर्णांधता की बात करते हो तो इसमें क्या होता है ये, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस। और भी कोई दोष होता है क्या, होता होगा, सुना होगा घर वालों से कभी, हिया को अंधो, चलो कोई बात नहीं, इसी की बात कर लेते हैं। वर्णांधता इसमें क्या होता है रे, इसमें कलर स्पष्ट दिखाई, कलर जो आदमी होता है जिसके ये दोष होता है वो कलरों में अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता, और इसी की वजह से जब कोई बच्चा नीट में क्वालिफाई होके जाता है तो उसको मना किया जाता है कि भाई तू ऑपरेशन वाला पार्ट मत लेना, यदि तू पीजी वगैरह करे तो वो सब्जेक्ट चूज मत करना जिसमें तेरे को काटापासी करना पड़े, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे को मालूम है कि जो धमनियां हैं वो थोड़ी हल्के लाल कलर की होती हैं और जो सिराएं होती हैं वो हल्के नीले रंग की होती हैं, तो तुम्हारे को मालूम ही नहीं होगा, काटने को काट दोगे, तुम धमनी को सिराओं में जोड़ दोगे और सिरा को धमनियों में जोड़ दोगे तो वो आदमी ऑपरेशन से पहले ही तुम उसको पहुंचा दोगे ऊपर, फिर क्या मतलब रहा बताओ डॉक्टर बनने का। तो वर्णांधता में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो कलर है उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता, ठीक है ना। और इसी उपाय की यदि मैं बात करूं तो उपाय इसका कुछ भी नहीं है, इसका उपाय कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारे दोष खत्म हो जाएंगे, वैसे तुम बोलो कि भाई वो ही या को आंदो तो वो दोष भी हो सकता है और वो कुछ लोगों में होता है, और वो क्या मन के अंधे होते हैं, जैसे तुम्हारे घर है आए और तुम्हारे को देख लिया उन्होंने पढ़ रहे हो तुम और फिर भी बोले पढ़ रहे हो जय ना क्या कर रहा हूं गाड़ी चला रहा हूं बोल देना, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, वो दोष